यार जगन्नाथ मंदिर में पता नहीं, आइडिया तो नहीं है मेरे को क्या कर, लेकिन इतना मैं श्योर हूँ कि जो लोकल प्रोड्यूस होता है उड़ीसा का वही सब, जैसे आलू नहीं यूज होता है, सीताफल यूज होता है। सो हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई चैनल। मैं हूँ निशांत और अभी हम लोग जा रहे हैं जगन्नाथ मंदिर। मंदिर जो है, मंदिर के अंदर बिल्कुल भी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। अलाउड क्या, कैमरा ले जाना भी अलाउड नहीं है, फोन भी ले जाना अलाउड नहीं है। अंदर का तो मैं कुछ पार्ट नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि वहां से मैं प्रसाद लेकर आऊं। बहुत ही ज्यादा अच्छे से बना होता है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है, तो इसलिए वो प्रसाद मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तो अभी चलते हैं यहां से जगन्नाथपुरी मंदिर। तो गाइस अभी हम लोग जो है मंदिर की तरफ जा रहे हैं ऑटो में, और बाइक इसीलिए नहीं लेके जा रहे क्योंकि वहाँ पे थोड़ा पार्किंग वार्किंग का इशू रहता है और हेलमेट वेलमेट भी होगा, बहुत सारा सामान हो जाएगा बाइक के साथ फिर, इसलिए ऐसे ही जाएंगे। और यहाँ पे फोन पे वगैरह सब चलता है ऑटो में, तो मतलब हमारे पास कैश नहीं है, तो हमारा काम हो जाएगा। नाम संजय कुमार बिस्वाल, 60 ऑटो मिली वो नहीं पड़े उसको, तो इसको बोलते खाजा, उसको हम खा जाएंगे गर्मा गर्म, चाशनी में डूबा हुआ एकदम मस्त। इस मंदिर से हम लोग जो है बाहर आ चुके हैं, प्रसाद भी लेकर आ गए हैं, महाप्रसाद जो होता है यहाँ पर मंदिर में वो हम लेकर आ गए हैं बाहर, और अभी यहाँ पर मंदिर के बाहर बैठकर ही खाएंगे और देखते हैं कैसा टेस्ट होता है। वैसे हमने टेस्ट कर लिया है वहाँ पर, उन्होंने हमें टेस्ट कराया था पहले, फिर हमने खाया, और खीर भी खाई थी, खीर हम लेके नहीं आए, खीर हमने वहीं खा ली। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो अभी खाते हैं और मज़ा आ जाएगा खा के यार। ये है चावल, हाँ ये नॉर्मल वाला चावल नहीं है, थोड़ा अलग टाइप का लिए हम लोग, घी और घी टाइप का स्मेल आ रहा है, घी से घी डाला, घी सारी चीज़ घी की है भाई, कुछ भी बिना घी का नहीं। ये नॉर्मल भात जो होता है ना उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी है। हाँ जल रहा मेरा इतना रहता है ना इसमें यार, तीन जन खा लेगा। देखने में जरा सा लगता है बर्तन, ठीक है इक्वल हो गया। अरे ठीक है भाई, ठीक है। नेक्स्ट आइटम क्या है देखते हैं क्या है। डालमा डालो। नहीं डालमा नहीं, ये सब्जी सुखतो तो बंगाली आइटम है, यहाँ भी बनता है, बनता है यार जगन्नाथ मंदिर में। पता नहीं, आइडिया तो नहीं है मेरे को क्या कर, लेकिन इतना मैं श्योर हूँ कि जो लोकल प्रोड्यूस होता है उड़ीसा का वही सब, जैसे आलू नहीं यूज होता है, सीताफल यूज होता है, हाँ जैसे आलू नहीं यूज होता है, टैपियो का यूज होता है, जो कैसे बांध रहे यार, कैसे बांधे नहीं करना, तो पाइन एप्पल वाला है, साइड में डाल दो इसको, डाल दूँ चावल में, डाल साइड में डाल, ये चटनी टाइप का मीठा, खट्टा मीठा चटनी, पाइन एप्पल आम सब कुछ डाला हुआ है इसमें, बस में इतनी ये सब्जी है, ये सब्जी है, और इसके नीचे वो पुलाव है, चावल कोनी को मीठे चावल, साइड में डालना साइड में, हाँ ऐसे करके बांधा है ना, वो गिरेगा भी नहीं और मतलब खोलते साथ गिर भी सकता है, वो इस तरह से बांधते ना कि घर जाके बंदा खोले। दाल दालमा बहुत ज़्यादा दे दिया, यही वाला थोड़ा ज़्यादा ले लिया, कोई नहीं दाल खा लेंगे, दाल तो खा लेंगे, साइड में डालना मेरा, ये दाल नहीं है दालमा है, हाँ वेजिटेबल सूप है, ये उड़ीसा का, कैसे डालो साइड में डालो, चावल में डालो चाहे जैसे मर्जी, ये ठीक है ना, उसमें वो चावल बाद में खा लेंगे, वो वाले चावल बाद में खा लेंगे, वो पुलाव है और लास्ट में करते हैं, मीठा है ना, इसके बाद लगता नहीं है और कुछ खाना पड़ेगा कहीं, रुगर डिनर सर की जीते हुए मैं कल खा लेना, बहुत मस्त में ज़्यादा नहीं खाता खाली मीठा, इसको मैं ले लूँगा, अरे डाल ही लो भाई, डाल लो
कहाँ दोबारा उठाओगे इसको बर्तन। आ रहा ना दोनों का फ्रेम से ही, ये हो गया भोग। इसको मैं चाट चाट के खाता था बचपन में, ये लाल वाला चावल था। शॉपिंग वॉपिंग हो गई है भाई की और अपन लोग जा रहे हैं अभी अपने होटल। 5 hours later. तो गाइस अभी सुबह के 5:30 भी नहीं बजे हैं और हम लोग उठ गए हैं आज, क्योंकि हमने सोचा था आज होटल के अंदर से ही हमारे को सनराइज देखने को मिल जाएगा, क्योंकि होटल का जो पूल एरिया है यहाँ से बीच दिखता है और बीच पे होता है सनराइज। लेकिन इतने काले काले बादल हो रहे हैं खतरनाक से, तो आज लगता नहीं है कि सनराइज दिखेगा हमें। कल भी ठीक से दिख नहीं पाया था, आज भी लगता नहीं है, कुछ उम्मीद नहीं लग रही, बिल्कुल उम्मीद नहीं है। बहुत गंदे वाले बादल हो रहे हैं और आज की हमारी राइड जो होगी ना उसमें भी हमारे को लगता है बारिश वारिश मिलने वाली है और तूफानी मौसम हो रहा है आज, और उड़ीसा का तूफान तो मशहूर है। देखते हैं आज क्या होता है, फिलहाल तो डिसअपॉइंटमेंट है सनराइज़ ना देखने की। तो यार अभी हम लोग जो है यहाँ से चेकआउट कर चुके हैं महावीर शेराटन से और अपन लोग जा रहे हैं बागदा बीच, जो कि है यहाँ से 280 किलोमीटर। तो अभी मैंने जैकेट ग्लव्स नहीं पहने क्योंकि पहले हम ब्रेकफास्ट करेंगे यहीं पे और उसके बाद हाईवे पे जब पहुँचेंगे तब पहन लेंगे सब कुछ। हो भाई सुबह सुबह का टाइम है, अभी हो रहा है 7:30 और यहाँ पर हो रही है भयंकर गर्मी। बंद है तो बंद है यार, मजा खराब हो गया। उसी पे खा लेते हैं वहाँ पे रोड वो जो है वहाँ पर। अभी निकल है ना शॉर्ट मिल गया बस थोड़ा सोरे तो गाइज़ अभी हम लोग पहुँच चुके हैं चंदनपुर और यहाँ पर हैं चंदनपुर। तो गाइज़ हम लोग पहुँच चुके हैं अभी चंदनपुर और अभी हम लोग हैं कृष्णा होटल पर और यहाँ पर खा रहे हैं हम डालमा पूरी और ये क्या है चूड़ा, क्या बोलते कदमा, इसको क्या बोलते हैं चूड़ा कदमा, और ये हलवा जैसा होता है मीठा सा, तो ये खा रहे हैं यहाँ पर अभी और खा के देखते हैं कैसा है टेस्ट और फिर यहाँ से निकलेंगे आगे पेट भर के। मजा आ गया मजा आ गया। रेडी हो रहा था हम लोग, शायद फर्स्ट कस्टमर है। ये वाला चूड़ा कदमा मीठा। तो गाइज़ ये जो खाना हम खा रहे हैं ना ये प्योर वेजिटेरियन खाना है, मतलब समझ लो जैसा कि मंदिर में प्रसाद चढ़ता है ना बिना प्याज लहसुन के और कुछ भी इसके अंदर नहीं डाला हुआ एक्स्ट्रा, वही चीज़ इसमें डली हुई है। तो जो प्योर वेजिटेरियन लोग हैं और जो जैन लोग हैं उनके लिए तो बेस्ट चीज़ है ये यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए। यहाँ पे आपको उड़ीसा में आराम से वेजिटेरियन फूड मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती, हर जगह लोग वेजिटेरियन फूड खाते हैं। तेज मिर्च तो खाना हो गया, खाने के बाद खा रहे हैं हम रबड़ी। इसमें छेना भी है सर, छेना और रबड़ी है, छेना और रबड़ी दोनों है। छेना भी है ना इसमें? नहीं नहीं छेना नहीं, छेना हरी रबड़ी है, छेना भी है, छेना रबड़ी हो गया। अभी ब्रेकफास्ट, अब सोते सोते चलाएंगे। इसको ज़्यादा खा लोगे ना गैस मारेगा खतरनाक। स्वीट डिश है तो
टेस्ट के लिए खाया जाता है, पेट भरने के लिए थोड़ी है। एकदम हैवी ब्रेकफास्ट हो गया, वो भी मात्र 150 रुपये में। तो जी अब पूरी से हम निकल चुके हैं, अब भुवनेश्वर आने वाला है 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर रह गया भुवनेश्वर। तो गाइस हम लोग पार कर रहे हैं भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर वाले भाइयों सॉरी, बहुत बहुत सॉरी, दिल से सॉरी, क्योंकि यार गर्मी बहुत ज़्यादा है और आज है वर्किंग डे, तो इसलिए मीटअप रखना पॉसिबल नहीं है, और हमें आगे भी पहुंचना है, मेरे पास टाइम कम है, घर भी जल्दी पहुंचना है, तो मैं आज मिल नहीं पाऊंगा किसी से भी। तो जो लोग मुझे गालियां देना चाहते हैं वो कमेंट्स में और इंस्टाग्राम पे मुझे DM कर सकते हैं, मैं पर्सनली सबका रिप्लाई दूंगा। तो भाई कटक भी पहुंच गए, कटक और भुवनेश्वर पास पास में ही है, शायद 15-20 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और इनको ट्विन सिटीज़ भी बोला जाता है। तो अपने को कटक नहीं जाना है, सीधा जाना है। तो भाई फ्यूल डलवा लिया जाए, हमारी डेस्टिनेशन से हम 130 किलोमीटर दूर हैं, और फ्यूल रिफिल करा लिया जाए, टैंक फुल कराएंगे। काले काले बादल हो गए, एकदम काले काले बादल, धूप निकल रही थी, धूप से मैं मेरी बाट लग गई थी धूप से, अभी मस्त बादल हो गए यार। तो भाई साहब क्या मौसम हो चुका है, अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट था। भाई पूजा कर रहा है बारिश के लिए। तो भाई हालत ख़राब हो रही थी आज, बहुत ही ज़्यादा गंदी गर्मी थी यार, मतलब मैं बता नहीं सकता, असहनीय गर्मी थी। मजबूरी में चलाई है हमने, क्योंकि हमें पहुंचना था लोकेशन पे, वरना अगर मैं दिल्ली में होता ना तो मैं घर से बाहर नहीं निकलता आज के दिन इस गर्मी में, इस टाइप की गर्मी में। चलो फाइनली मौसम अच्छा हुआ, अभी दोपहर के 2 बजे है, और जहां हमें जाना है वो 30 किलोमीटर रह गया है बस यहां से। बालासोर जो है ये शहर है, बालेश्वर बोलते हैं या फिर बालासोर बोलते हैं, आई डोंट नो प्रॉपरली, जो भी प्रोनाउंसिएशन है सॉरी उसके लिए अगर मैंने गलत बोला हो तो। लेकिन पहुंच गए हैं हम, इसको क्रॉस कर चुके हैं ऑलमोस्ट, अभी आगे यहां से 15 किलोमीटर आगे जाके मिलेगा टर्न। तो अब हमने हाईवे छोड़ दिया है, अब हमें जाना है यहां से राइट, सीधा पहुंच गए बंगाल की खाड़ी में। फोर्टीन किलोमीटर इस रास्ते पे चलना है, ये देखो बच्चा कैसे मजे से सो रहा है। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं बागड़ा, और यहाँ पर पास में ही हमारे बीच। तो इस वीडियो को फिलहाल यहीं पे एंड करता हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया है, आगे की कहानी आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगी, यहाँ पर क्या होते हैं सीन, क्या होते हैं नज़ारे, वो सब दिखाऊंगा नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, थोड़ा सा अवॉइड करना, जनरेटर की आवाज़ आ रही होगी तो मैनेज कर लेना यार।
बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाता हूँ मैं यहाँ के नज़ारे, बहुत ही मस्त बीच है यहाँ पे, बहुत मस्त बहुत मस्त।